वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ, मैं आज अपन क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मैं ईद स्पेशल चिकन बर्रा बिरयानी। तो भाई आज बनने वाली है चिकन बिरयानी, वो भी चिकन बर्रा, यानी फुल बर्रा का फ्लेवर होगा बिरयानी में। चिकन बर्रा बिरयानी के लिए होटल में मेरे बच्चे बहुत जिद करते, चलो खिलाते। मैंने चलो आज मैं खिलाती तुम लोगों को चिकन बर्रा बिरयानी बना के। तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे, क्या हमें चिकन बर्रा बिरयानी बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो तो सबसे पहले लेंगे हम चिकन, चावल, दही, कोथमीर, पुदीना, अदरक लहसुन का पेस्ट, कसूरी मेथी, हरी मिर्ची, केसर वाला दूध, नींबू का जूस, कलर, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च की बुक्की, बादाम, काजू, दूध, अमूल की फ्रेश क्रीम। यहाँ खड़े गरम मसाले में हम लेंगे तेज पत्ता, शाहजीरा, लौंग, काली मिरी, फूल, छोटी इलायची, दालचीनी, बड़ी इलायची। यहाँ लेंगे हम हल्दी की बुक्की, मिर्ची की बुक्की, जीरे की बुक्की, कश्मीरी लाल मिर्ची और धनिया की बुक्की। और यहाँ लेंगे हम देसी घी और यहाँ फ्राई वाले प्याज। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर चावलों को धो लिए हैं, जो के है 800 ग्राम, यानी के मैंने चिकन ली हूँ 1.5 किलो और चावल ली हूँ 800 ग्राम। चिकन चावलों से डबल रहेगा तो चलेगा, लेकिन कम नहीं लेना चाहिए। आपको बराबर लेना है तो आप बराबर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको धो ली हूँ, इसको रखेंगे अब हम साइड में। तो अब आती है चिकन की बारी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 किलो चिकन ली हूँ, तो बड़ा बड़ा पीस मैंने ली हूँ। आपको जैसा लेना है आप ले लेना, मैंने इसमें कट लगा ली हूँ ताकि मसाले अच्छे से लग जाए। इससे बड़े पीस भी आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। जैसा मंदी हो गया, खपसा हो गया, ये टिक्का बिरयानी हो गई है ना, तो इसके लिए ना बड़े बड़े पीस लेंगे ना तो ही अच्छा रहता है। अब मैं इसमें डालूंगी मसाले। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर मैंने ली हूँ 1/2 किलो दही। इसमें से मैं डालूंगी 2 से 3 चम्मच चिकन में, ठीक है। अब हम डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच। 1/2 चम्मच हम डालेंगे इसमें काली मिरी पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे हमारे सूखे मसाले। इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। यहाँ पे चिकन ज़्यादा है वो हिसाब से मसाले लगा रही हूँ मैं, ठीक है। 1 चम्मच डालेंगे हम हल्दी की बुक्की, 1 चम्मच डालेंगे हम जीरे की बुक्की और 2 चम्मच डालेंगे हम धनिया की बुक्की, ठीक है। और तीखी वाली मिर्ची डालेंगे 1 चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे नींबू का जूस। तो यहाँ पे मैं पहले से नींबू का रस निकाल के रखी हूँ, यहाँ मैं 2 चम्मच नींबू का रस में ऐड कर रही हूँ। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा फूड कलर। अब इसमें डालेंगे हम नमक। नमक मैं मेरे हिसाब से ले रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से लेना, ठीक है ना। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच भर के डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको मैं अपने हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने मसाला लगा ली हूँ, इसको 2 से 3 मिनट लगा मुझे मसल मसल के कोने कोने में अच्छे तरीके से मसाला लगाने के लिए। एकदम जल्दबाजी में मत लगाना, हर तरफ लगाना ताकि वो अच्छा अपना उसका टेस्ट उसके अंदर तक चले जाए। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी 1/2 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये मसाला लगा के 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते, ठीक है। तो 1/2 घंटा हो गया है चिकन को रख के। यहाँ फ्राई पैन चढ़ा दी हूँ और इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दी हूँ, ठीक है। अभी अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम फ्राई कर देंगे हमारा चिकन, ठीक है। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह। यहाँ पे आप
आपको जैसा पीस चाहिए आप वैसा करा के मंगा सकते हैं। और यहाँ गैस मैंने रखी है एकदम फास्ट पे, ठीक है। हमको यहाँ पे स्लो करके इसका पानी नहीं छोड़ना है, एकदम फास्ट पे रखना है। खाली ये थोड़ा सा चट्टे आ जाए और सीख जाए, तो यहाँ पर दो मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से पास आज के सेक ली हूँ, ठीक है ना। स्लो आज करेंगे, ढक के रखेंगे तो चिकन पूरा पानी छोड़ देगा। हमको पूरा पानी नहीं छोड़ने देना है, जूसी रखना है, इसके लिए मैंने पास पे ही इसको फ्राई करें। बस इसी तरीके से मैं अभी 3-4 मिनट ये सैंडविच सेक लूँगी, फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने अल्टी पल्टी करके इसको अच्छे से सेक लिए है। अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे चिकन अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। अब बनाएंगे अखनी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा फ्राई पैन चढ़ा दी हूँ, इसमें हम डालेंगे देसी घी। यहाँ पे देसी घी डाली हूँ मैंने। अब हम डालेंगे इसमें काजू। देखो ईद स्पेशल है इसके लिए मैं डाल रही हूँ, अगर आपको नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको हल्का सा लाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये लाल हो गए हैं, हम इसको निकाल लेंगे। तो ड्राई फ्रूट मैंने अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। अब मैंने वही टोक वापस से ले ली हूँ जिसमें हमने चिकन में मसाला लगाए थे, ठीक है। इसमें ही अखनी का मसाला रेडी करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ली थी 1/2 किलो दही, जिसमें से मैंने 3 चम्मच सिर्फ उसके लिए ली थी चिकन में मसाला लगाने के लिए, बाकी पूरा 1/2 किलो मैं डाल रही हूँ, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, पहले यहाँ पे दही को ज़रा अच्छे से फेंट लेंगे। तो यहाँ पे दही अच्छे से मैंने फेंट ली हूँ। अब हम डालेंगे हमारा ये चिकन। यहाँ पे चिकन को इसलिए मैंने बोली थी ज़्यादा नहीं पकाने का, क्योंकि अभी हमको बिरयानी में भी पकाना है, ठीक है ना। इसके लिए इसको फास्ट आँच पे बनाएंगे तो इसका पानी नहीं छूटेगा, इसमें जूस वैसा ही रहेगा, इसको खाली सेक लेना है। अब हम डालेंगे इसमें हरी मिर्ची, कसूरी मेथी, कोतमीर, कोतमीर अच्छी भर के डालना हाँ। अब डालेंगे हम इसमें पुदीना, पुदीना भी अच्छा डालना। मैं यहाँ पे छुरी से नहीं कट कर रही हूँ, सिर्फ हाथों से इसको तोड़ के डाल रही हूँ। अब डालेंगे इसमें हम नींबू का जूस, यहाँ पे मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ, ठीक है। और इसमें मैं टमाटर ऐड नहीं करूँगी, ये बिरयानी में टमाटर नहीं जाता, ठीक है। यहाँ पे मैंने शाहजीरा ली हूँ, शाहजीरा हम ज़्यादा डालेंगे अच्छा। यहाँ पे 2 से 4 लौंग डालेंगे, 8 से 10 काली मिरी डालेंगे, 2 फूल डालेंगे, 2 बड़ी इलायची डालेंगे और 2 तेज़पत्ता डालेंगे, 2 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 4 छोटी इलायची डालेंगे, ठीक है। अब डालेंगे हम हमारे सूखे मसाले। यहाँ पे मिर्ची की बुक्की मैं ले रही हूँ 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हमने मसाले में भी अच्छा खासा वहाँ चिकन में लगाए थे। और यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, 1/2 चम्मच हल्दी की बुक्की, 2 चम्मच लेंगे हम धनिया की बुक्की, 1 चम्मच लेंगे हम जीरे की बुक्की। और यहाँ पे हम डालेंगे गरम मसाला, 1/2 हमने डाले थे फ्राई में, 1/2 हमने बचा के रखे थे मसाले में ऐड करने, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन, हमने उसमें भी डाले थे फ्राई वाले में भी 2 चम्मच अदरक लहसुन, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हमारी ये जो फ्राई प्याज, फ्राई प्याज थोड़ा ज़्यादा ही लेना। मैं हमेशा बोलती हूँ प्याज हमेशा ज़्यादा लेना, प्याज से बिरयानी का जायका बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैं 2 मुट्ठी डाल रही हूँ, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम। ये चिकन बर्रा में, चिकन बर्रा की बिरयानी में फ्रेश क्रीम नहीं डालना है तो आप घर की मलाई डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको हल्के हाथों से मसल लेंगे।
ताकि मसाला जो है हमारे चिकनों में अच्छे से लग जाए और हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो जाए। इसमें डालूंगी मैं ये जो अभी चिकन फ्राई करे थे ना हमने, वो तेल डालेंगे। उसी के साथ हम थोड़ा तेल, हमारा ये प्याज तली भी रखे हुआ था वो भी थोड़ा तेल डालेंगे। अब इसके अलावा हम इसमें डालेंगे घी, जो हमने अभी ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे ना उसका गरम गरम घी। घी डालने से बिरयानी में खुशबू बहुत मज़े की आती है, ठीक है ना। अब सबसे लास्ट में हम डालेंगे इसमें नमक। नमक देखो आप लोग अपने हिसाब से डालना, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, और ये सोच समझ के डालना कि चिकन के मसाले में भी नमक था और चिकन में भी नमक था, ठीक है ना। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मसाला लगा ली हूँ चिकन को, माशाल्लाह। इसको अभी रख देंगे साइड में थोड़ा, और हम यहाँ पर जावित्री, इलायची और जायफल इसको थोड़ा सा दरदरा कूट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इलायची और जायफल और जावित्री अच्छे से कूट ली हूँ, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे एक बॉल में। तो यहाँ पे ये इलायची का पाउडर और जावित्री का पाउडर ये थोड़ा सा हम इसमें डाल के रख देंगे। थोड़ा सा हम ऊपर चावलों पे बिछाएंगे, ठीक है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा केवड़ा एसेंस, ज़्यादा नहीं डालूंगी, 2 से 3-4 बूंद बस काफ़ी है। अब हम डालेंगे इसमें हमारे ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको ढककर एक साइड में रख दूंगी। तो यहाँ पर मैंने चावलों के लिए पानी चढ़ा दी हूँ, इसमें डालेंगे हम नमक। पानी अच्छा डबल टिबल डालना चावलों के हिसाब में ताकि खुले बने। यहाँ पे मैं 3 चम्मच नमक डाल रही हूँ, ये खारा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम पानी निथारेंगे तो नमक पूरा निकल जाएगा, ठीक है ना। हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से पुदीने, थोड़ी सी कोतमीर, 2 हरी मिर्ची, इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच नींबू का जूस, इससे हमारे चावल अच्छे खुले खुले बनेंगे। और हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा तेल, इससे भी वही होता है, चिपचिपे नहीं बनते, खुले खुले बनते हैं चावल, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध। ये दूध मैं इसलिए डाल रही हूँ, चावलों में सफ़ेदी अच्छी आती है पकने के बाद, ठीक है। तो मैं इसको एक बॉयल आने तक रुक जाऊंगी, उसके बाद हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो इसमें मैंने गरम मसाला डालना भूल ही गई थी। तो सबसे पहले मैं डालूंगी 1 चम्मच भर के शाहजीरा, 2 तेज़पत्ते, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, थोड़ी सी काली मिरी और 4 हरी इलायची, ठीक है ना। अब इसको अच्छे से बॉयल आने देते हैं। तो चलो चावल का पानी बॉयल हो रहा है, जब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वाटी बना ली है हमने, अब इसको रख देंगे बीच में। हम इसको थोड़ा स्मोक देंगे क्योंकि अभी ये चिकन बन रहा है तो इसमें थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आना चाहिए ना। इसके लिए अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी और इसको ढक के रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा स्मोक हो रहा है चिकन को, अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आते हैं चावलों की तरफ। पानी अच्छा बॉईल हो गया है और मैंने जो गरम मसाले डाली थी, थोड़े गरम मसाले मैंने हटा दिए ऊपर से। अब क्या करेंगे, हमने जो चावल भिगा के रखे थे ना 1.5 घंटे से, वो डालेंगे। और यहाँ पे चावलों को हमको एकदम 80% कच्चा नहीं रखना है, 50-50 पका लेना है, ठीक है ना। क्योंकि अभी हम इसको 45 मिनट्स पूरा दम पे नहीं रखने वाले हैं, क्योंकि हमारा चिकन भी आधा पक चुका है ना। तो अभी हम हमेशा 45 मिनट्स दम पे रखते हैं, तो आज हम 25 से 30 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। तो इसके लिए हम चावलों को 50-50 पका लेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा अभी पकने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तो 5 मिनट अच्छे से पका ली मैंने चावलों को। तो यहाँ पे हमारे चावल अच्छे देखे
भीगने से ना यहाँ लंबे लंबे साइज इसके अच्छे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हाफ कुक हमारे चावल हो गए हैं, अभी मैं इसको निथार के लेके आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावलों को अच्छे से निथार ली हूँ। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने चिकन स्मोक करने रखे थे ना, तो माशाल्लाह इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसको निकाल देंगे साइड में। अब क्या करेंगे हम, ये बड़ा वाला टोप लिए है जिसमें हमने चावल बॉईल करे थे, तो अब हम मसाला इसमें पलटी कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, मसाला अच्छा सेट हो गया। हाँ माशाल्लाह, इसको ढीला करने के लिए क्या डालना चाहिए, जो हम चावल उबालते हैं ना उसका एक बाटी पानी डाल देना या दूध डाल देना, तो इससे हमारा थोड़ा सा मसाला ढीला हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारा मसाला और चिकन अच्छे से डाल दी हूँ। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे थोड़ा सा दूध रखे थे ना, इसमें से हम डालेंगे थोड़ा सा दूध, ताकि हमारा जो हमने फ्रेश क्रीम डाले थे ना, फ्रेश क्रीम और दही ये दोनों चीज़ जम गई है। आप यहाँ पे जो चावल पानी बॉईल हो रहा था ना, वो भी इसमें आधा गिलास या एक कटोरी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा लूज हो गया है, अब पकने चढ़ाएंगे तभी इसका दही का पानी, चिकन का पानी वो छूटेगा अपने आप, है ना। अब क्या करेंगे हम, अब डालेंगे इसमें हमारे ये प्याज। यहाँ पे मैं डालूंगी प्याज, यहाँ डालेंगे हम कोथमीर, थोड़ा सा पुदीना और डालेंगे थोड़ा सा शाहजीरा, कच्चा शाहजीरा है ये। हाँ ठीक है, अब हम डालेंगे इसमें हमारे चावल। बिस्मिल्लाह, तो यहाँ पे मैंने चावलों को अच्छे से बिछा दी हूँ। अब ये थोड़ा सा दूध बचा है, इसको भी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। ठीक है ना, इसी के साथ हम यहाँ पर ये जो केसर वाला दूध रखे थे ना स्टार्ट में भिगा के, ये डालेंगे। आज मैं फूड कलर ऊपर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने चिकन में जो लगा के फ्राई कर दी थी बस वही, आज यहाँ पर मैं ज़ाफ़रान का ये दूध ऐड कर रही हूँ। इसको पूरा डाल दूँगी अच्छे से। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी कोथमीर, थोड़े पुदीने, खुशबू बहुत अच्छी आती है पुदीने से, और ये जावित्री का जो हमने मसाला बना के रखे थे ना इलायची पाउडर का, ये डालेंगे हम इस पर थोड़ा सा, ताकि हमारा टोप ऐसा खुलते साथ है ना दूर दूर तक खुशबू जाए। अब हम डालेंगे इसमें ये प्याज वाला तेल। आपको तेल नहीं डालना है तो आप सारा का सारा घी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आधा घी और आधा तेल यूज कर रही हूँ। अब हम डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा घी, जिसमें हमने ड्राई फ्रूट अभी फ्राई किए थे। यहाँ मैं देसी घी डाल रही हूँ, आप कोई भी घी डाल सकते हैं। यहाँ पे देसी घी से खुशबू थोड़ी और अच्छी महक के आ जाएगी। अब क्या करेंगे हम, इसको ढक के आराम से 10 मिनट के लिए मैं फास्ट आंच पे चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी हूँ 10 मिनट मीडियम गैस पे, एकदम फास्ट पे नहीं मीडियम पे। अब क्या करेंगे हम, इसको ढक देंगे ताकि इसमें साइड से जो भी हवा है वो पास ना हो। ठीक है, तो 10 मिनट के बाद अभी इसको मैं बताती हूँ क्या करने का। तो यहाँ पे 10 मिनट मैंने मीडियम पे रखी थी, अब यहाँ पर मैं गैस करूंगी बंद, और यहाँ पे मैंने गैस चालू करके यहाँ तवा रख दी हूँ। ठीक है, अब आराम से इसको उठाएंगे और ये तवे पे रख देंगे। अब यहाँ पे पूरा 20 मिनट तक हम इसको दम होने देंगे। ठीक है, तो चलो पूरा 30 मिनट हो गया है इसको मुझे रख के। बिस्मिल्लाह, हाँ मस्त खुशबू, चावल हमारे पके के नहीं हम देख लेंगे। तो चावल हमारे अच्छे से पक गए हैं,
बिरयानी में से खुशबू आ गई है। अब हम नहीं निकालेंगे, गैस कर देंगे बंद और इसको इसी तरीके से एक दो चार मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। तो चलो 5 से 7 मिनट इसको अच्छे से सेट होने दी मैंने, अब हम निकालते हैं इसको। बिस्मिल्लाह। अब हम इसको सर्व करेंगे थाली में। बिस्मिल्लाह। मस्त, एक नंबर, बड़ी बड़ी बूटी के साथ, है ना। चावल देखे कितने खुले खुले बने माशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने थाल में सर्व कर ली हूँ। अब क्या करेंगे, हम थोड़ी सी डालेंगे इसमें हल्की सी कोतमीर, इसमें हम डालेंगे हल्की सी प्याज, इसी के साथ हम डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट, यहाँ पे रेडी हो गई मेरी चिकन बर्रा बिरयानी मस्त वाली। तो दोस्तों तैयार हुई अपनी चिकन बर्रा बिरयानी, एकदम मस्त वाली बनाया है मैंने आज बिरयानी। आप लोग भी बना के खाना, ईद पे बहुत मजे की बनेगी। हाँ। इस बिरयानी में टमाटे नहीं जाते हैं, इसके बदले में मैंने इसमें फ्रेश क्रीम और दही की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दी थी, ठीक है। और काजू बादाम जो है वो तो ऑलमोस्ट फेवरेट होते हैं सबके, तो ईद स्पेशल में अगर वो ऐड कर लेंगे तो और अच्छी बात है। हाँ। ऐसा तो चिकन बर्रा बिरयानी बहुत से रेस्टोरेंट में मिलती है, तो कहीं कहीं पे बादाम पिस्ते डाल के देते हैं, किधर किधर नहीं देते हैं, अपनी अपनी मर्जी की बात होती है। तो आप भी अपनी अपनी मर्जी चला लेना, जिसको खाना है वो डाल देना, जिसको नहीं खाना है वो हटा देना। लेकिन अम्मी ने देखे इतने बड़े बड़े पीसेस डाले हैं बिरयानी में, अगर नॉर्मली कहीं मिलती भी होगी बिरयानी, खाई भी होगी, तो इतने बड़े बड़े पीसेस नहीं होंगे। अम्मी ने कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े पीसेस डाले हैं। आप एक पीस में 2 जन को दे सकते हैं घर में अगर बनाए तो, ऐसा नहीं चावल इतना सा खाओ, एक पीस खाओ पेट भर जाएगा। और मैंने कुक भी उसको 2 बार किया ताकि वो अंदर से कच्चा ना रह जाए, वो पूरी तरीके से पक जाए, इसीलिए उसको 2 बार अम्मी ने पकाया, एक बार तो फ्राई किए है, फिर दूसरी बार बिरयानी में 15-20 मिनट पका हुआ है। तो भाई बहुत ही मस्त और लजीज बिरयानी है, कंफर्म गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि एकदम अलग तरीके का इसका प्रोसेस है, उसका टेस्ट भी एकदम अलग हुआ। हाँ, और ये अलग है इसीलिए इसको ईद में बनाना। हाँ, इसमें घी वगैरह भी मैं ऐड कर चुकी हूँ और बादाम पिस्ते भी ऐड करी हूँ ईद स्पेशल के हिसाब से। और देखो मैं तो मानती हूँ कि अगर मंदी बनाना है, बर्रा बिरयानी बनाना है या खपसा बनाना है, तो चिकन बड़े बड़े ही मजा आता है, बड़े पीसेस। हाँ, मंदी में भी हमको चिकन बड़ा रहेगा तो ही मजा आता है। हाँ। तो एक थाली में डाल के दे दो, इंसान 2 न्याला चावल ले ले, 1 बोटी ले ले, पेट भर जाए और मन भी भर जाए। हाँ। क्योंकि उसमें इतनी अच्छी खुशबू, उसमें फ्लेवर वो सब आता है और इतना जूसी गला हुआ रहता है ना, एकदम ऐसा नरम नरम गोश्त गला हुआ रहता है पूरा, गला हुआ है क्योंकि 2 बार कुक हुआ। तो खाने में इसका फ्लेवर अलग ही आता है, तो हमेशा जो चिकन बनता है उसका टेस्ट अलग रहता है और इस चिकन का टेस्ट अलग रहता है। तो बड़े ही पीस डालना ताकि मन भर के खाए। हाँ। जैसे हमारे देखो चिकन टिक्का बिरयानी बनी थी कुछ अलग, और उस वीडियो को लोगों ने बहुत सारा प्यार भी दिया था, तो भाई ये भी रेसिपी कुछ अलग है, तो इसको भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ये ऐसी बिरयानी है ना कि जल्दी अपने घर पे नहीं बनती, नहीं बनती। नॉर्मली लोग दम बिरयानी बनाते हैं, डबल लेयर की बिरयानी बनाते हैं ऐसा, लेकिन ये इसको 15 मिनट मैंने पहले ही उतार दी, क्योंकि हमने इसमें टमाटे नहीं डाले, टमाटे का पानी ऐड नहीं करे थे, इसमें दही डाले थे और फ्रेश क्रीम डाले थे। आप देखे वो मैंने आधा घंटा चिकन को मसाला लगा के रखी थी, तो वो सेट हो गया था, एकदम कड़क था, जम गया था। तो उसको लूज करने के लिए मैंने थोड़ा सा दूध ऐड करी थी। आप जब चावल बॉईल करते हैं, वो नमक का पानी जो चावल का बॉईल होते रहता है, वो भी पानी लेके आप वो मसाला थोड़ा सा लूज कर सकते हैं। अगर वो नहीं करना है तो दूध ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद चढ़ाना, क्योंकि हम टमाटे नहीं डाले तो टमाटे का पानी नहीं छोड़ेगा, सिर्फ दही अपना पानी छोड़ेगा, चिकन अपना पानी छोड़ेगा, चिकन भी उतना पानी नहीं छोड़ेगा जितना वो छोड़ सकता है, क्योंकि हमने उसको पहले ही फास्ट आंच पे सेक लिए है। तो इसके लिए आधा घंटा ही मैंने इसको दम पे रखी हूँ, और इसलिए आधे घंटे में चावल पक जाना बोल के 50-50 मैंने चावल को पका के निकाली हूँ, ठीक है ना, ताकि आधे से ज्यादा चावल मैंने पका के उतारी थी ताकि दम में वो जल्दी पक जाए। तो उस तरीके से प्रोसेस करना, नहीं तो चावल कच्चे रहेंगे। और अगर 30 मिनट से ज्यादा अगर आप पकाते हो
तो फ्रेश क्रीम भी नीचे से लगने लगती है जिस तरह से काजू का पेस्ट लगता है, ठीक है ना। तो 25 मिनट बहुत काफी है, 10 मिनट बिना तवे के, 20 मिनट तवे पे रखने से खाना नहीं जलता है, ठीक है। तो भाई कैसी लगी ये चिकन बर्रा बिरयानी फुल मसालेदार वाली, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारी रेसिपी पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो। जो हमारे चैनल पे नया है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो गाइस प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट्स वीडियो को शेयर करो, ताकि लोग अपने ईद के मौके पे ये रेसिपी देख के अपने घर पे बना सके और आप लोगों को खिला सके। ईद के टाइम पे और कौन सी रेसिपी आप लोगों को देखना है वो अभी जल्दी जल्दी कमेंट्स करो ये वीडियो में, ठीक है। एक बिरयानी की रेसिपी और मिल सकती है आप लोगों को इंशाल्लाह, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय। याद रखना, अपना ख्याल रखना।